आज कितनी देर लगा दी, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। वो मैं ट्रैफिक में फंस गया। क्या बात है तृष्णा, कहीं बात वही तो नहीं जिसे लेकर तुम पहले भी परेशान होगी। जो वो सिर्फ राज से शेयर करना चाहती है, अपनी बहन से भी नहीं। राज, मैं राजदीप को लेकर परेशान हूं। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन नहीं, तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो ना, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैं राजदीप को डिनर पे लेकर गई थी। लेकर आज तक वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे राज। तुम टेंशन मत लो तृष्णा, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है राजदीप को काम की टेंशन हो। कृष्णा, कहीं राजदीप ने हमारी बात सुन तो नहीं ली। सॉरी कृष्णा, मैं लेट हो गया। वैसे आई होप मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे। अभी ये मुंह क्यों बना रही हो? मैं मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग, ओके? एनीवे चलें। तृष्णा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ही तो ऑफिस फोन कर मेरे साथ मूवी का प्लान बनाया था, तभी तो मैं वापस जल्दी आया हूँ, और अब तुम ही भूल गई हो। नहीं, मेरा मतलब है कहाँ, कौन से थिएटर में? जहाँ बोलेंगी वहीं चलेंगे। ओके, चलें पक्का। सी यू राज, गुड नाइट। ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर तृष्णा परेशान है? अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं तानिया, चाय पीने का मन नहीं। आप तृष्णा दी से मिले थे क्या? वो परेशान लग रही थी, शायद उन्हें आपसे कुछ डिस्कस करना हो। जाने बिना ही तृष्णा के लिए टेंस हो रही है। प्रेगनेंसी की हालत में उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसे इन सब बातों से दूर रखना चाहिए। मैं खुद से कहीं ज्यादा आप पर यकीन करती हूं राज, प्लीज मेरे विश्वास को मत तोड़िएगा। नहीं मिला, दोनों बहनें एक जैसी हो, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती। आप तृष्णा दी की टेंशन लेना छोड़ दीजिए।
राजदीप जी जो है ना उनके साथ, वैसे भी फोन से इतना प्यार करते हैं, फोन का इतना ख्याल रखते हैं, अगर कोई टेंशन होगी तो वो संभाल लेंगे। कृष्णा आइसक्रीम खाओगी? राजदीप खिला खिला के मारने का इरादा है क्या? मूवी के टाइम पर ऑलरेडी कितना खिलाया आपने। वो पता है क्या कहते हैं ना, खाने के बाद मीठा खाना अच्छा होता है। रियली रियली आइसक्रीम खाओगी ना? ओके राजदीप। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको मूवी कैसी लगी। कृष्णा वो क्या है कि मुझे रोमांटिक फिल्म्स बिल्कुल पसंद नहीं। आई प्रेफर एक्शन फिल्म्स, थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज। तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना, हम आपकी पसंद की मूवी देख लेते। तुमने इतने प्यार से प्लान बनाया था, इतना खुदगर्ज तो हूं नहीं मैं। वक्त लगता है एक दूसरे को जानने में, समझने में, एक दूसरे की आदतें जानने में, राइट? अब इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके चले वैसे अगर देखो तो आज तुम्हें मेरी इस आदत के बारे में भी पता चल गया, बाकी बातें भी जान जाओगी मेरे बारे में, राइट? राजदीप अरेंज मैरिज की यही तो खासियत होती है। रियली? धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने तो आपसे लव मैरिज की है, राइट? कम हियर। पता है कॉलेज में भी मेरी सारी लड़कियों से इसी बात पे लड़ाई हुआ करती थी। वो लोग रोमांटिक फिल्म्स देखना चाहती थी, मैं एक्शन और थ्रिलर्स देखना चाहता था, ऑलवेज। ओह, तो इसका मतलब है कि कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां आपकी फ्रेंड्स थी? हाँ। राजदीप बताइए ना, उनमें से कोई तो स्पेशल होगी, सम गर्लफ्रेंड टाइप्स आई मीन। चला रहे आप राजदीप? तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? तुम क्या कहना चाहती हो तृष्णा? हाँ, कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? हाँ, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? What you trying to say? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी राजदीप। It was a casual question. मैंने सोच समझ कर नहीं पूछा। कृष्णा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसा सवाल पूछने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? और अगर पूछा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। कृष्णा यू डोंट ट्रस्ट मी। हाँ छोड़े राजदीप, यू हर्टिंग मी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते कृष्णा? हाँ, जबकि उसी विश्वास पर मैंने तुमसे शादी की। अपने आप को तुम्हारे नाम कर दिया, पूरी तरह अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, सौंप दिया खुद को, और तुम मेरा प्यार, मेरा विश्वास, ये सब कम पड़ा तुम्हें है ना तृष्णा? तुम्हारी नजरों में ये सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है, राइट? मुझे अगर दुनिया में किसी पे विश्वास है तो वो आप पे है राजदीप। आपके प्यार की बहुत वैल्यू करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। आई स्वेयर, आपको हर्ट करने के लिए नहीं पूछा। दोबारा अनजाने में भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि फिर शायद
तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ऐसी गलती नहीं होती। बस तृष्णा, हम दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। Let's go. आप तृष्णा दी की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। राजदीप जी जो है ना उनके साथ, वैसे भी वो उनसे इतना प्यार करते हैं, वो उनका इतना ख्याल रखते हैं, अगर कोई टेंशन होगी तो वो संभाल लेंगे। किसकी यादों में खोए हैं मिस्टर राज? आपकी बीबी तो आपके सामने खड़ी है। मैं मजाक कर रही हूँ। एक काम करिए, आप सो जाइए, आपको कल ऑफिस जल्दी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा हूँ। वो भी इतनी रात को, क्या हुआ, सोई नहीं? जिसके दिल में इतने सवाल हो उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी राज? मन बहुत घबरा रहा, अजीब सा डर लग रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा फ्रेश एयर ले लूं, शायद अच्छा लगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही, लेकिन मेरे ना सोने की कोई वजह नहीं है। बस मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ी फ्रेश एयर ले लूं। उस वक्त राजदीप के आने से हमारी बात अधूरी रही। तृष्णा, मैंने इस बात पे बहुत सोचा और मुझे लगता है कि बात इतनी जरूरी नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। राज, तुम वो नहीं जानते हो जो मैं जानती हूँ, तुम वो नहीं देख सकते हो जो मैं देख पा रही हूँ। मेरे बस एक सवाल का जवाब दे दो राज, क्या राजदीप का कोई अतीत, कोई पास्ट है? क्या उनकी जिंदगी में शादी से पहले कोई था?